जिला अस्पताल के समीप लगने वाली संडे मार्केट के व्यापारियों को उद्यान विभाग और अधिक सुविधाएं मुहैया कराने पर विचार कर रहा है। जिला उद्यान अधिकारी आर के सिंह तथा सहायक उद्यान अधिकारी कुलदीप जोशी ने रविवार को संडे मार्केट का निरीक्षण किया तथा व्यापारियों से बात की। व्यापारियों ने बताया कि बारिश के दिन उन्हें परेशानी होती है, साथ ही अस्पताल के सामने सड़क में बैठने पर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उद्यान विभाग ने व्यापारियों के साथ साथ ग्राहकों से भी बात करते हुए उनकी समस्याओं के निदान का भरोसा दिलाया। उद्यान विभाग व्यापारियों और ग्राहकों को एक ऐसा स्थान दिलाना चाहता है जहां पर व्यापारियों और ग्राहकों को छत प्रदान की जा सके ताकि खराब मौसम में भी उनका व्यापार आसानी से चल सके। शेर सिंह खेतवाल भाटनीकोट। अच्छा। भाटनीकोट तो भुलुड़ा। आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं संडे मार्केट की तरफ? तो जब खुला भगोली डीएम के समय तब से। कितना फायदा होता है संडे मार्केट? होता है, पहले पहले तो 5-6 हज़ार का फायदा होता था पर संडे में, अब ज्यादा हो गया कारोबार। अच्छा, उद्यान विभाग से किस तरह से मदद आपको मिलती है? मिलती है, उद्यान विभाग से समय समय पर हमें योजनाएं मिलती है। पोली हाउस इत्यादि लगाए हैं? पोली हाउस भी लगाया। तो कितनी सुविधा आपको संडे मार्केट बन जाने से हुई है? हमें बहुत ज़्यादा सुविधा है क्योंकि हम यहाँ वो करते हैं, सब्जी लाते हैं, सब्जी वो करते हैं, बेचते हैं, इसमें अच्छा फायदा होता है। उद्यान विभाग से मदद मिलती है? हाँ। दिक्कतें क्या होती हैं यहाँ पर? यहाँ पर दिक्कत है बारिश में, क्या कहते हैं, भीग जाते हैं हम, सब्जी पूरी ख़राब हो जाती है और इसमें टीन शर्ट बन जाता तो अच्छा हो जाता। मैं सब्जी उतारा करती हूँ, बहुत सालों से मैं यहाँ पर संडे मार्केट में सब्जी लाती हूँ और तरह तरह की सब्जियाँ यहाँ आती है, जो भी सीजन की सब्जी आएगी तो हर हफ्ते मैं संडे को यहाँ पर पहुँचती हूँ और एक गाड़ी पूरा सामान लेकर यहाँ पर लाती हूँ और साथ साथ मैं फूलों का भी करती हूँ, जिसमें 6-7 नाली के खेत में अभी मैंने फूलों की तैयारी भी की है, तो मुझे यहाँ पर बहुत मतलब आगे को बढ़ने का उम्मीद मिला। उद्यान विभाग से आपको मदद मिलती है? उद्यान हाँ, मेरे पास 2 पोलियास उद्यान से मुझे पोलियास भी मिला और ट्रैक्टर भी वहीं से लिया था मैंने, और दो अभी तो 3 पोलियास हैं और वहाँ से सुविधा भी मिलती है। मार्केट बहुत लंबे समय से लगती है, किस तरह से उद्यान विभाग इनको मदद कर रहा है सर? देखिए, यहाँ पे जितने काश्तकार आए हैं सारे लोगों को हम बीज प्रोवाइड करते हैं, निःशुल्क करवाते हैं और जो जो सुविधा है विभाग के तरफ से वो भी इनको प्रोत्साहन के रूप में देते हैं और यहाँ पे संडे मार्केट है बहुत काफ़ी दिनों से लग रही है। कोविड काल में कुछ काश्तकार कम आ रहे थे लेकिन आज के डेट में नंबर ऑफ फार्मर बढ़े हैं और इसका सबसे बेनिफिट ये है कि हम श्योर हैं कि हमारे जो ग्राहक हैं इनको जैविक सब्जी मिल रही है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल चीज़ जैसे कि लौकी, करेला, मतलब जो भी सब्जी है, जो भी सीजनल सब्जी है उस वो सब्जी यहाँ पे बिक रही है और हमारे काश्तकार को अच्छा रेट भी मिल रहा है और इनका तुरंत का तुरंत मतलब कि लेके आए 1 घंटे के अंदर पूरा सब्जी सेल हो जाता है, तो इनको बाजार अच्छी मिली है और इसको और बेटर बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक समस्या इन्होंने बताई है सर कि जब बारिश होती है या मौसम ख़राब होता है तो इनको दिक्कत होती है, तो किस तरह से आप मदद इनकी कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए हम विचार कर रहे हैं कि इनका मार्केट जो है अगर ये रोड पे लगा रहे हैं, अगर यहाँ पे हम कुछ बनवाते भी हैं तो फिर रास्ता बंद हो जाएगा, तो इसलिए एक बाजार चिन्हित करने के लिए का कार्य चल रहा है। अगर बाजार चिन्हित हो जाती है तो वहाँ पे टिन सेट वगैरह लगा करके एक छोटी सी मंडी टाइप की इनको प्रोवाइड कराई जाएगी, इस पर जिला प्रशासन जो है वह मंथन कर रहा है। CCN News के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।